नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप लोग। आपका फिर से स्वागत है मेरे चैनल पे। आप देख रहे हैं डॉट फॉर टेक। और आज इस वीडियो में मैं बताऊंगा कि आप अपने मोबाइल में रिकवरी कैसे फ्लैश कर सकते हो। तो आपने मोबाइल को रूट कर लिया है और अगर आपको नॉलेज है रोम कैसे फ्लैश करते हैं, उसके पहले आपको रिकवरी फ्लैश करनी पड़ती है। तो आधे लोग को पता है कि कैसे रिकवरी फ्लैश करते हैं और आधे लोग को नहीं पता है। तो रिकवरी को कैसे फ्लैश करते हैं, ये बहुत बड़ा सवाल है कि भाई कौन सी रिकवरी ले, अपने मोबाइल को सूट होएगी कि नहीं होएगी। गूगल पे सर्च करना पड़ता है, तो बहुत सारी रिसर्च करनी पड़ती है इसके लिए। तो बहुत ही इजी वे है कैसे रिकवरी फ्लैश करते हैं, तो मेरे पास ट्रिक है, तो आप ये ट्राई कर सकते हो। तो पहले आपको प्ले स्टोर में जाना है और प्ले स्टोर में जाके आपको रोम मैनेजर डाउनलोड करना है। अगर आपको रोम मैनेजर की डाउनलोड की लिंक चाहिए तो मैंने डिस्क्रिप्शन में दी हुई है, तो वहाँ जाके आप डाउनलोड कर लीजिए। और आपका रोम मैनेजर डाउनलोड हो गया, उसके बाद आपको रोम मैनेजर ओपन करना है। ये रोम मैनेजर का एप्लीकेशन है, आप देख सकते हो ये ऑरेंज में है, तो मैं उस पर क्लिक करूँगा। तो ये रोम मैनेजर का इंटरफेस है। पहले आपको एक वार्निंग देगा कि ये रोम मैनेजर रिक्वायर्स अ कस्टम रिकवरी लाइक क्लॉक ओ मोर रिकवरी टू इंस्टॉल न्यू सॉफ्टवेयर्स, तो आपको ये ओके कर देना है। इसके बाद आप देख सकते हो कि आपके मोबाइल में जो कंपनी की रिकवरी रहेगी वो आपको हटानी पड़ेगी और इसकी नई रिकवरी डालनी पड़ेगी कस्टम वाली। तो आप देख सकते हो कि ये बोल रहा है कि इंस्टॉल और अपडेट रिकवरी और रिकवरी इंस्टॉल, ये बता रहा है। आपको इधर क्लिक करना है क्लॉकवर्ड मोर रिकवरी पे, तो ये एक नया पेज खुलेगा। तो आप देख सकते हो कि ये बता रहा है कि आपका फ़ोन जो है वो एनालाइज़ करेगा कि आपके पास कौन सा फ़ोन है और उसके लिए कोई रिकवरी अवेलेबल है कि नहीं है। अगर आपका फ़ोन इधर अवेलेबल नहीं आया तो आप इधर क्लिक कर सकते हो डिवाइस नॉट लिस्टेड पे, और उसके बाद आपको क्लॉकवर्ड मोर रिकवरी फ्लैश हो जाएगी। पर आप ज़्यादातर आपका मॉडल रिकॉग्नाइज हो जाएगा। अगर आपके पास कोई जो कंपनी है जिसका रजिस्टर्ड नहीं है वो फ़ोन रहेगा तो आपका इधर नहीं नाम आएगा, तो आप इधर गूगल पे जाके इसके लिए रिकवरी फ्लैश कर सकते हो। अगर आपके पास Xiaomi है, Lenovo है, तो उसका नाम आ जाएगा 100%। तो ऐसे आप रिकवरी फ्लैश कर सकते हो। मैंने एक्चुअल में रिकवरी फ्लैश कर दी है, मेरे पास दूसरी रिकवरी है, इसलिए मैं अभी फ्लैश नहीं कर रहा हूँ। इस पे आप क्लिक करोगे और बस इधर इसके बाद आपको यही करना है फ्लैश क्लॉकवर्ड मोड रिकवरी, इस पे क्लिक करना है और आपकी रिकवरी फ्लैश हो जाएगी। फ़ोन रिबूट होएगा और आपकी जो कस्टम रिकवरी है और उसके बाद आपको जो रोम फ्लैश करना है आप उसके बाद कर सकते हो। तो ऐसे आप रिकवरी सबसे इजीएस्ट वे में अपने मोबाइल से फ्लैश कर सकते हो। ना आपको कोई पीसी में केबल लगाना है, उसके बाद आपको ADB सॉफ्टवेयर लगाना है बाद में, नहीं तो आपको कोई रिकवरी में जाके फ्लैश करना सबसे इजी वे है, आप कर सकते हो। तो आशा करता हूँ आपको ये मेरी वीडियो पसंद आई रहेगी। अगर आपको ये मेरी वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और धन्यवाद आपका मेरे चैनल पे आके वीडियो देखने के लिए। जय हिंद।